अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ शहरयार बट और मेरे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज और आप देख रहे हैं सियासत और मईशत बिना सीटी के ऊपर। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सिचुएशन है। पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर ही है। इसका हल जो हुकूमत ने ढूंढा वो IMF के पास जाना बेहतर समझा और IMF के पास जाते जाते पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा डिले हुए और जिसका असर हमने देखा कि जो डिले टैक्टिक्स गवर्नमेंट ने इस्तेमाल की और काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ उसका असर हमारी मईशत में बहुत बुरी तरह पड़ा। ख़ास तौर पर हमारे रुपया बहुत बुरी तरह गिरावट का शिकार रहा। जैसे आपने देखा था कि इमरान खान साहब 189 के पास US डॉलर छोड़ कर गए थे, फिर हमने उसमें एक डिक्लाइन 182 तक भी देखा, लेकिन फौरन ही हमने देखा कि US डॉलर कंटिन्यू बढ़ना शुरू कर गया और 212 की सतह को भी अबूर कर चुका है और 211 के लेवल के ऊपर बन हुआ है फ्राइडे वाले दिन। लेकिन ओवरऑल इसका असर हमारी मईशत पर पड़ा। महंगाई के नंबर्स आपके सामने, इन्फ्लेशन के नंबर 32% तक जा चुके हैं और इसके साथ साथ पेट्रोलियम प्राइजेस ऑल दो की हुकूमत ने 18 रुपये कम किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है क्योंकि 90 रुपये के करीब आपने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दिए, उसके बाद 18 रुपये जो नीचे है अभी तक प्राइसेस नीचे नहीं आए। हमारे मुल्क में नॉर्मली होता यही है कि एक बार जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसके बाद फिर नीचे नहीं आते। यही आप देख रहे हैं कि अगर आप कराची में भी जाते हैं जो लोकल टूटी फूटी बसें हैं, W11 का किराया भी अगर मैं आपसे जिक्र करूँ तो वो भी 70 रुपये हो चुका है। तो मजदूर और लो इनकम लेवल की तो दस्तर से सारी चीज़ें बाहर हो ही चुकी हैं, लेकिन मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा इस मुल्क में पिस रहा है और महंगाई की वजह से कोई चीज़ भी उनके दस्तर में नहीं है। और उसके बाद जो बारिश के बाद कराची का हाल हुआ वो आपके सामने ही है। जिब्रान, क्या होता है ये हर बार बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है, बारिश होती है पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है, फिर पानी जमा हो जाता है। पहले तो पानी जमा हो जाता था, अब कीचड़ जमा हो जाता है, उसके बाद फिर बीमारियाँ शहर में उबलने लगती हैं। कराची का कोई भी आप इलाका ले लें, पोश इलाका ले लें या गरीबों का इलाका ले लें, इस बार महफूज ही नहीं रहा बारिश के गंदे पानी से। इस दफा तो कहते हैं बर्गर भी इफेक्टिव हुआ है, बन कबाब भी इफेक्टिव हुआ है। बात करते हैं जैसे कि हम देखा कि हर साल ये प्रेडिक्शन की जाती है कि बारिश आएगी, इतनी जो वेदर फोरकास्ट करते हैं कि इतनी मिलीमीटर बारिश आएगी, इससे ये इफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जो एडमिन है वो एक प्रॉपर एक काम नहीं करे, बस वो एंड टाइम पर जागते हैं बिल्कुल। और वो क्योंकि पूरा साल इसकी जो प्रोडक्शन एक महीने पहले 15 दिन पहले तकरीबन की गई थी, हर साल बारिश होती है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से इसको जो है इन्होंने जो एक ड्रेनेज का जो निज़ाम है नाले वगैरह साफ़ ना कराए, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो इतना हमेशा पानी भर जाता है। इसके साथ साथ फिर बारिश होने के साथ साथ फिर इलेक्ट्रिक का भी मसला आता है, फिर बिजली भी गायब हो जाती है, फिर इसके साथ करंट के भी वाकयात आप देखते हैं, इतने लोग जो हैं, इतनी हलाकतें भी होती हैं। तो एक बारिश जो है, अगर दूसरे रीजन की बात करें तो वहाँ तो रहमत है, मतलब बारिश आती है लोग एंजॉय करते हैं, यहाँ आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। बारिश पे तो बात होती रहेगी, अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी पे और इन्फ्लेशन जिस तरह से हिट कर रही है। इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है फरहान महमूद, हेड ऑफ रिसर्च है हरमैन सिक्योरिटीज के। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फरहान साहब, IMF के साथ हमारे मामला भी ऑलमोस्ट तय पा चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट हमारे रुपी पे नेगेटिव ही पड़ा है। हमने देखा एक दिन रुपया थोड़ा संभला था, लेकिन फिर 210 रुपए से ऊपर 211 की सतह के ऊपर आ चुका है, क्या वजूहत है इसकी? देखिए अभी सबसे पहले तो यही है कि मेरे ख्याल में दो चीजें हैं। एक तो ये चीज है कि जो मार्केट है, जो करेंसी मार्केट है, वो बहुत ज्यादा चीजें जो देख रही है, ये कह रही है कि जी IMF के बाद ये जो बोर्ड का अप्रूवल होगा तो उस पर कोई कंसर्न तो नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो मल्टीलेटरल जो आनी थी, इमदाद आनी थी मुख्तलिफ मुल्कों से, अब मार्केट उसको भी देख रही है कि वहां से फ्लोज जो है वो कब तक पाकिस्तान को रिसीव होंगे। मेरे ख्याल में ज्यादा इसका जो है, जो मार्केट है वो वेट कर रही है, जो मल्टीलेटरल जो एजेंसी जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और जो फ्रेंडली कंट्रीज है पाकिस्तान के, वहां से कितना पैसा आता है, क्योंकि IMF की ट्रांच इटसेल्फ इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, अभी तो शॉर्ट टर्म में $1 बिलियन के करीब है, लेकिन ये है कि जो दूसरे फ्लोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के रिजर्व्स को सस्टेन करने के लिए, और जो डॉलर की हालत है उसको भी अगर थोड़ा मार्केट उसको भी देख रही है, तो मेरे ख्याल में इसकी ये वजूहत है जिसपे थोड़ा सा मार्केट वेट कर रही है कि कितने जो इनफ्लोज हैं वो एक्चुअली मटेरियलाइज होते हैं। वेरी ट्रू, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे जो रिजर्व हैं वो भी दोबारा से $10 बिलियन से नीचे आ चुके हैं। आपने देखा कि जिस तरह से आने वाले दिनों में हमारी
ग्रोथ है वो नेगेटिव आने की, नेगेटिव तो नहीं लेकिन ये कि गिरने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। यानी कि गवर्नमेंट ने तो अपना टारगेट तो 6% का लगाया है लेकिन लग रहा नहीं है, जितने भी एनालिस्ट है हमारी बात होती है कि 3-4% रहेगी, फिर ऊपर से सुपर टैक्स भी लग जाएगा और कारोबार की सिचुएशन हमारे सामने ही है और जो सिचुएशन गैस की शॉर्टेज है, एनर्जी शॉर्टेज है हमारे साथ, तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट अपने ये टारगेट मीट कर पाएगी और ऊपर से जो हमारे टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है वो भी इस बार हमने तकरीबन 700 अरब से ऊपर रखा हुआ है, ये सारे टारगेट आपको मीट होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो सही कह रहे हैं आप कि हमारी भी एक्सपेक्टेशन कुछ 3-4% की है। स्लो डाउन तो डेफिनेटली होगा, वजूहत वही है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये काफी पीक लेवल्स पे है और जो डिमांड है वो थोड़ी सी स्क्वीज डाउन हुई। अगर आप वैसे भी देखें तो ऑयल के नंबर्स देखें तो वो भी थोड़े नीचे हैं। बाकी जो नंबर आ रहे हैं कि आगे जाके बिजली के और उसके वो भी मेरे ख्याल में आगे जाके स्लो डाउन होगा, तो डिमांड तो थोड़ा सा कंप्रेस तो किया है, उसके वजह से इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जहां तक टैक्स रेवेन्यू है वो भी एक तरह से स्लो डाउन होते हैं, क्योंकि जब आपका ज्यादातर आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो इनडायरेक्ट है और उसमें इम्पोर्ट स्टेज पे तो लगता है कि थोड़ी सी स्लो डाउन होगी जिसमें ड्यूटीज वगैरह होती है, जब आपकी इम्पोर्ट। तो आपका क्या टारगेट है, कितना कितना स्लो डाउन हो सकता है, गवर्नमेंट कितने शॉर्ट हो सकते हैं, कितना टारगेट अपने शॉर्ट कर सकते हैं? देखिए इसमें 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 अगर हम पिछले साल की दें तो उन्होंने अचीव कर लिया था, अब इन्होंने तकरीबन जो है वो 7.4 ट्रिलियन तक किया है। हम समझते हैं कि हुकूमत तकरीबन 7-7.5 ट्रिलियन तक जा सकती है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है मेरे ख्याल में एक्सपेंडिचर साइड्स पे भी होगा, कि क्योंकि जो IMF है वो ज्यादा एग्रेसिव ये रही है कि अपने अखराजात को भी कम करें और प्राइमरी सरप्लस की तरफ बात कर रही है कि जिसमें आपका एक्सपेंडिचर्स को भी थोड़ा नीचे रखें। तो मेरे ख्याल में टैक्स इंपोर्ट स्टेज पे नीचे होगा, बट क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जब होती है तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा होता है, तो मुझे लगता है कि वो नेट ऑफ हो जाएगा। फिर भी टैक्स रेट टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, सारा डिपेंड करेगा कि ये एक्सपेंडिचर साइड पे क्या करते हैं और जो सूबों के ऊपर जो वो कह रहे हैं कि शायद सरप्लस हो वो सरप्लस आए या वो डेफिसिट आए, वो एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ओवरऑल FDR के मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होगी। नहीं बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ हमने देखा कि ऑटो कार का जो डेटा है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव आया, 54% हमने देखा था इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर कंटिन्यू डिक्लाइन साइड के ऊपर है, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि यूजली ऐसा होता था कि स्टॉक मार्केट में जो बैंकिंग सेक्टर है बहुत ज्यादा हमेशा से आउट परफॉर्म करता था, लेकिन मुसलसल पिछले 6 महीनों से इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी वहीं पे खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी बड़ी वजूहत क्या है कि बैंक इतने अच्छा परफॉर्म नहीं करे, और फिर आने वाले क्वार्टर में आपको क्या लगता है जो रिजल्ट सीजन आने वाला है स्टॉक मार्केट में कौन से सेक्टर ऐसे जो अच्छा परफॉर्म करे? आपने तीन सेक्टर्स के बारे में बात की, एक सीमेंट, एक ऑटो और बैंक। सीमेंट में तो आपका अगर अभी हम जून का नंबर देखें तो फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ वो एक प्री डिमांड थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि सीमेंट की कीमतें बढ़ेंगी तो जो डीलर है उन्होंने पहले ही माल उठा लिया था, तो वो ट्रू डिमांड नहीं है। लेकिन अब तक अगर अभी तक देखें तो नंबर्स सीमेंट के भी बेहतर है। ऑटोज की आप जहां तक बात करें उसमें भी जो अब गिरावट है वो मेरे ख्याल में जुलाई से आपको नजर आएगी, क्योंकि इनकी इंपोर्ट बंद कर दी थी CKDs वगैरह की, तो प्रोडक्शन जो जो शटडाउन होंगे वो अब हमें जुलाई से ऑनवर्ड नजर आएंगे, तो शायद वहां से थोड़ी सी सेल्स इनके नंबर नीचे आने शुरू हुए। और बाकी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया तो मुझे लगता है कि कार डिमांड इवेंचुअली जो है वो स्लो डाउन होगी, और सेकेंड हाफ ये जो कैलेंडर ईयर का जो सेकेंड हाफ है उसमें थोड़ी सी वहां से नीचे आनी शुरू होगी। बाकी बैंक्स में जो आपने कहा उसमें बैंक्स में ये चीजें नो डाउट, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन बढ़ते हैं, बैंकिंग स्पेड्स बढ़ते हैं जो कि बैंक के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन उधर से अगर हम देखें तो दो चीजें लगाई, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स इनका बढ़ा दिया इस बजट में, फिर दूसरा इनके साथ जो है वो ये अगर आप देखें सुपर टैक्स भी लगाया है, तो दोनों की वजह से मुझे लगता है जो मार्जिन बेहतर होने से वो वहां से नलीफा हो गए, इसकी वजह से हमने देखा कि बैंक्स में जो है वो थोड़ा अंडर परफॉर्म किया कुछ महीनों से। थैंक यू सो मच फरहान साहब आपके टाइम के लिए, इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाज़रीन ये थे हमारे साथ फरहान साहब, हेड ऑफ सेल्स हरमैन सिक्योरिटीज। अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं आपके साथ और इश्यूज पे बात करने के लिए। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजिन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी इकोनॉमी पे, जिसपे आने वाले दिनों में हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी वजूहत है वो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस की हैं। रशिया यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त माशी मुश्किलात का शिकार है। अगर हम यूरोप साइड पे देखते हैं तो पूरा यूरोप एनर्जी अपने सोर्सेज चेंज कर रहे हैं और वो कतर के सामने एक लाइन लगा के खड़े हैं सारे कि हमें एलएनजी दे दी जाए। यही वजह कि पाकिस्तान $40 एलएनजी होने के बावजूद इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा है कतर से, और पाकिस्तान को मुसलसल इस हवाले से परेशानी का सामना है। और जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने, मुसद्दिक मलिक साहब, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को इस साल ना सिर्फ गैस की शॉर्टेज का सामना होगा जबकि महंगी भी होगी और शॉर्टेज का भी सामना होगा। ये सारे मसाइल हैं। जिब्रान, आपको क्या लगता है ये रशिया यूक्रेन जंग ये तो दर्द सर बन गया हमारे लिए, कब खत्म होने जा रही है? देखिए, जब से ये स्टार्ट हुआ है इसके बाद आपने कहा पूरी इकोनॉमी जो है, पूरी दुनिया की बात करें, पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हुई है। जितनी भी कॉमोडिटीज़ की जो प्राइसेस हैं तकरीबन 50% 70% और कहीं कहीं 100% भी हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। तो ये देखिए, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता तो जब तक ये जो है कॉमोडिटी प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान डील कर रहा था कि जो जो ऑयल इंपोर्ट करेगा रशिया से तो वो ज़्यादा चीपेस्ट पड़ जाता है। जिस तरह हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उन्होंने जो इंपोर्ट किया है रशिया से, तो बल्कि उनकी जो प्राइसेस हैं बल्कि नीचे आई है, पाकिस्तान में जो बड़ी है बल्कि वहाँ उल्टा इफेक्ट हुआ है। वहाँ जो है नीचे आई, गवर्नमेंट जो पब्लिक गवर्नमेंट ने जो पब्लिक को भी फेवर दी है और जो ऑयल इंपोर्ट है वो बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे की है, जिसकी वजह से पब्लिक को भी फ़ायदा हुआ है और उनकी जो इकोनॉमी भी डिस्टर्ब नहीं। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी तो पूरी देखिए, अब वहाँ भी तकरीबन जो है इंडिया में भी तकरीबन 80 रुपये का डॉलर है, और इसके साथ साथ यूरो और यूएस की बात, यूएस डॉलर की बात करें तो उसका भी कन्वर्जन 1.1 पे आ गया है। यूरो जो है वो 20% 20 साल के बाद जो है तकरीबन डॉलर के तकरीबन बराबर आ चुका है, और 210-11 का जो डॉलर चल रहा था वो 210-11 रुपये का यूरो मिल रहा है। तो ये काफी देखा जाएगा, यूरोप का जो करेंसी काफी डिवेल्यू, इंडियन रुपया भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड लो पे आ गया जी, वो 80 रुपये से क्रॉस कर गया है तकरीबन। तो ये भी एक इनके लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन वहाँ की इकोनॉमी फिर भी इतनी डिस्टर्ब नहीं हुई जितनी पाकिस्तान की डिस्टर्ब हुई है। पाकिस्तान में हर चीज़ की प्राइसेस आप देखें तो बिल्कुल हर कीमत एक, अब लोग जो है यहाँ पे 150 रुपये का पेट्रोल बर्दाश्त नहीं कर सकते और 250 रुपये का इनको लेना पड़ रहा है। और बड़ा बड़ा पेनलेस चीज़ है ये कि जो है मतलब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पब्लिक के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं कि अगर दोबारा 50-60 डॉलर तक आ जाते हैं, रशिया रिजॉल्व हो जाता है, तो फिर क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल है और जो दीगर चीज़ें जो महंगी हुई है क्या ये सस्ती होंगी? देखिए, हमारे पास जो सबसे बड़ा जो हमारा चंक है, जो हमारी इंपोर्ट जो हम करते हैं उसमें आप सबसे बड़ा हिस्सा ऑयल का होता है, और लास्ट ईयर के अगर आप नंबर देखें तकरीबन हमने $18 बिलियन की हमने ऑयल इंपोर्ट की है। तो काफ़ी मैसिव हमारे साथ प्रॉब्लम है। अगर दुनिया में रिसेशन हो रही है, आपने देखा होगा कोविड के दिनों में पूरी दुनिया बंद हो गई थी, तो हमारे लिए एक ब्लेसिंग डिस्गाइज़ था क्योंकि पूरी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गई थी, तो पाकिस्तान ने उसका बहुत फ़ायदा उठाया। पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आ गई थी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव साइड पे चला गया था। वो मेरे ख्याल में ऐसा मौका था अगर गवर्नमेंट उसको कैश करती है उसके बाद अगर हम प्लानिंग करते और तो फिर हम अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते और इम्पोर्ट को कम करते वहाँ से, तो फिर हम बड़ी तेज़ी से जो है ना इन चीज़ों को बेहतर कर सकते थे। लेकिन हुआ ये कि जो पिछला बजट जो शौकत तरीन साहब ने दिया वो काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट उन्होंने दे दिया, जिसमें उन्होंने हैवी चीज़ें इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी, हैवी मशीनरी बाहर से आ गई, फिर इसके अलावा जो लग्जरी आइटम हमारे बाहर से आए, फिर इसके अलावा गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट होना शुरू हो गई बहुत तेज़ी से। तो आपने देखा कि उसका असर ये पड़ा कि हमने तकरीबन $80 अरब के करीब हमने इंपोर्ट किए लास्ट ईयर, और जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो आपको आपके सामने ही है तकरीबन $30 अरब की एक्सपोर्ट। तो आप मैच भी नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मिसमैनेज इतनी हो गई हैं कि अब इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। फिर लोग बड़ा सवाल करते हैं कि पाकिस्तान रशिया से ऑयल क्यों नहीं खरीद लेता, तो इस हवाले से काफ़ी डिबेट हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिया ले रहा है तो हम क्यों नहीं ले पा रहे। तो इसकी एक बड़ी वजह जो हुकूमती ज़राए हमें बताते हैं वो यही कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान को लेने में, क्योंकि अगर पाकिस्तान रशिया से ऑयल लेता है तो उस पेमेंट्स के इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान पे सैक्शंस लग सकती हैं। इंडिया चूंकि बड़ा मुल्क है, अभी आप देखें आज न्यूज़पेपर में खबर लगी है कि इंडिया तो ना सिर्फ ऑयल ले रहा है तो मिज़ाइल भी ले रहा है रशिया से, और इस हवाले से जो है एक तरमीम पेश कर दी है कांग्रेस के अंदर। इंडिया ने एक कांग्रेस मैन थे, इंडियन नेशनल थे, उन्होंने एक तरमीम पेश की कि इंडिया के ऊपर आप सैंक्शन नहीं लगाएं। इंडियन लॉबी इतनी स्ट्रांग है, इंडियंस पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है, नासा में पहुंच गए, IMF आज पाकिस्तान को इतना क्यों नचा रहा है, क्योंकि IMF की जो डायरेक्टर ने आपको सबको पता है कि वो एक इंडियंस है, वो पाकिस्तान को इस हवाले से परेशान करिए। इंडियन लॉबी इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है और पाकिस्तान के आगे वो
जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही रहे हैं, तो हम अभी इतने मजबूत नहीं क्योंकि हम इंटरनली इतने झगड़े फसाद में लगे हुए हैं, हम इंटरनली इतने डिवाइड हैं। पाकिस्तान में आप देखें, हम एथनिकली डिवाइड हुए हैं, हम पॉलिटिकली डिवाइड हुए हैं, हम किसी एक चीज़ को लेकर नेशनल इंटरेस्ट को लेकर भी हम एक नहीं होते। आज इलेक्शन आज जो है खास अहम दिन है कि आज जो इलेक्शन है, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएगा और कौन जीतेगा कौन हारेगा और क्या आपको लगता है इसके नतीजे एक्सपेक्टेड क्या है? यार बहुत ही ज़्यादा क्रूशल इलेक्शन है, और क्योंकि आपको पता है कि ये इलेक्शन दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत अहम है। ऑल दो के पीटीआई तो आप इस सिस्टम से तकरीबन बाहर ही चली गई, जनरल इलेक्शन अगर बहुत कोशिश भी करें तो एक साल जनरल इलेक्शन में है, लेकिन चूंकि ये पीटीआई के मुनारिफ अराकीन थे और उनको इलेक्शन कमीशन ने डी सीट किया है, अब उनकी सीट से दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, 20 के करीब ये सीट्स हैं और हुकुमरान जमात पीएमएलएन को तकरीबन अपनी 10 सीटें सिक्योर करनी है। अगर वो 10 सीटें जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वो पंजाब में अपनी हुकूमत हमजा शहबाज की बरकरार रख सकें, वरना वहाँ से चलेंगे। और आपको पता है 63% पॉपुलेशन पंजाब की है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, जो पंजाब से जीतता है वही पाकिस्तान को रूल करता है, ये अनफॉर्चुनेट हमारे पाकिस्तान का एक अलमिया रहा है। तो यही वजह है कि अगर पंजाब में इनकी हुकूमत गई तो फिर उसके बाद फेडरल में भी इनकी हुकूमत हिल सकती है, और पूरे जोर लगा रहे हैं, ना सिर्फ इमरान खान एज ए अपोजिशन लीडर, वो एक एक जगह गए हैं और वो जिस तरह से उनकी एनर्जी है और जिस तरह से वो स्पीच करते हैं, जो उनकी फॉलोइंग है, उन्होंने इसको बिल्कुल कैश किया है। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ भी आपको हर जगह नज़र आएंगी, डेली दो दो तीन तीन जलसे हो रहे हैं। फिर इसके बाद जो हुकूमत ने इतना ज़्यादा इसको प्रेशर लिया हुआ है कि हुकूमत के जो सिटिंग मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन करके वो अपने हलकों में, आपको पता है क्योंकि वो अपनी कैंपेन चला नहीं सकते एक सिटिंग मिनिस्टर, तो इसलिए उन्होंने रिज़ाइन करके वो लोगों के अंदर आए हैं और वो कैंपेन चला रहे हैं। और सुबह से जो हमें खबरें आ रही हैं, लड़ाई झगड़ों की भी बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ हलकों में हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको पता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया हमारी सोसाइटी में, अदम बर्दाश्त हो गई है सबके अंदर, कोई किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता, तो सियासी तौर में मुखालफीन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा एक पेचीदा सूरत हाल है। मेरे ख्याल में सियासत में इन चीज़ों को नहीं होता, आप क्या समझते हैं कि सियासत में इस तरह लड़ाई झगड़े और जो नज़रियाती इख्तलाफ उसको ज़ाती इख्तलाफ तक ले जाते हैं? नहीं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल यहाँ पे होता है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता मेच्योरिटी आएगी और जो है लोग जो है और सियासत ध्यान भी थोड़ा सा खुद एतमादी पैदा करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है साफ़ और शफाफ और जो है हम एक वोट देना एक हक है पब्लिक का, अब उसको जो है आप ज़ोर ज़बरदस्ती या कोई एक आप अपनी कारगर्दगी ऐसी बनाएं कि लोग आपको खुद वोट दें, ना कि मतलब जो ना करप्शन हो ना ना लड़ाई झगड़े हों। लेकिन एक पाकिस्तान में सिलसिला ये काफ़ी टाइम से चला आता जा रहा है, और अभी भी आप यही देख रहे हैं कि हम 25-30 साल पुराने जो पाकिस्तान में थे अभी तक उसी में ही जो है चल रहे हैं, तो थोड़ी सी चेंजिंग आनी चाहिए। और साथ साथ अब इसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन भी करीब है, बल्दियाती इलेक्शन भी एक अहम किरदार अदा करेंगे, जो कराची का जो पूरा नक्शा है वो भी अगर करना चाहे काम करने वाला चाहे तो नक्शा चेंज कर सकता है, और इससे हुकूमत और आवाम को भी फ़ायदा हो सकता है। जी, आपने बल्दियाती इलेक्शन की बात की जो 24 तारीख से कराची के अंदर होने जा रहे हैं, इससे पहले ही हमने देखा था कि एक बाय इलेक्शन कराची में होता, बहुत ही ज़्यादा खून खराबा उसमें हुआ था और फायरिंग हुई थी, हमें दोबारा से हम पिछले कराची में चले गए थे जो आज से 5 साल पहले कराची था, 5 या 8 साल पहले, जब खूनरेजी बहुत हुआ करती थी यहाँ पर, तो इस हवाले से भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा खौफ है कि खुदा ना खासा दोबारा से इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो जाए। तो इस दौरान हमारी तमाम सियासी जो पार्टीज हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना मैनिफेस्टो पेश करें, मुखालफिन के ऊपर कीचड़ फैलाने से या उनको बुरा भला ना कहें, आप सिर्फ अपनी कारकर्दगी पेश करें, क्योंकि मेरे ख्याल में अब तो ऐसा आ गया कि पाकिस्तान में हर पार्टी को मौका मिल चुका है आवाम की खिदमत करने का, सभी पार्टीज़ जो हैं वो इक्तदार के मज़े ले चुकी हैं, तो अगर अब बेहतर यही हो कि आप अपनी पॉलिसीज बताएं, आपने किस तरह से हुकूमत की थी और किस तरह से आप जो है आने वाले दिनों में अगर आपको मौका मिला तो आप किस तरह से कौम की खिदमत करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो इलेक्शन आज हो रहे हैं बाय इलेक्शन वो बहुत पुरमीद हों और हमारी जमहूरियत के लिए बेहतर हों, और आने वाले दिनों में जो कराची में जो बाय इलेक्शन होंगे उसके बाद कराची के मसले हल हों, क्योंकि कराची को बेहद ज़रूरत है लोकल गवर्नमेंट की, और जिस तरह से जो गली गली मसले हैं, पानी खड़ा हुआ है अभी तक बारिशों का, वो सारा चीज़ें मसले रिजॉल्व हों। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शहरयार बट और जिब्रान सरफराज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।